नमस्ते किसान भाइयों, मैं कैलाश चौबे अपना चैनल पशुपालन सेवा में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, थनैला रोग के विषय में बात हुआ था, आज आप लोगों से बात करना है मिल फीवर के विषय में। मिल फीवर यानी दूध का बुखार, नाम तो इसका है मिल फीवर, दूध का बुखार। लेकिन किसान भाइयों, इसमें बुखार नहीं रहता है, सामान्य बुखार रहेगा इस बीमारी में। इसमें क्या होगा, गाय भैंस जो बच्चा देने वाली है उसमें ये बीमारी होती है। बच्चा देने के 12 से 72 घंटा के अंदर में बीमारी गाय या भैंस में हो जाती है। किसान भाइयों, हमारा कृषि प्रधान देश है, पशुपालन एक बहुत महत्व रखता है। जिस तरह कृषि का महत्व है, उसी तरह पशुपालन का भी महत्व है। इसलिए आपको बता रहे हैं कि गाय भैंस जो हम लोग रखते हैं तो फायदे के मकसद से रखते हैं, व्यवसाय के मकसद रखते हैं या दूध खाने के मकसद रखते हैं। लेकिन जब व्यवसाय हमारे घाटा की तरफ जाने लगा तो कोई रखने से कोई फायदा नहीं। हमारे बहुत दिनों से दिमाग में था किसान भाइयों कि मैं कम पैसा में ऐसा केमिकल, ऐसा दवा, ऐसा तैयार करें कि हर भाई, गरीब किसान हो या अमीर किसान हो, सबको कम पैसा में हमारा इलाज उचित मात्रा में हर भाई को मिल सके। इसीलिए मिल फीवर के विषय में बता रहे हैं। मिल फीवर 12 से 72 घंटा के अंदर में पहले बता दिए कि होता है, बच्चा देने के 12 से 72 घंटा क्यों होता है इसके विषय में आप लोगों को बता देता हूं किसान भाइयों। कारण ये है कि जब गाय भैंस जब बच्चा देती है, दूसरी या तीसरी बयान में बीमारी होता है मिल फीवर। ये इसका कारण बता देते हैं, इसे क्या पता चलेगा मिल फीवर कि हमारे गाय भैंस में मिल फीवर का बीमारी हो गया है। पहला कारण ये पता चलेगा कि मवेशी, आप दूध निकाल लीजिएगा तो मवेशी लड़खड़ाने लगेगी, लड़खड़ा कर चलने लगेगी, तलमलाने लगेगी, फिर उसे निकालने के बाद या खाना पीना छोड़ देगी, बैठ जाएगी, उठ नहीं पाएगी, बैठने के बाद मुड़ी पीछे में मोड़ करके बैठ जाएगी, या कभी कभी ऐसा दे जाता लार आने लगता है, हाँफने लगती है भैंस या गाय, लौट जाती है इस बीमारी में। इसमें नाम तो है मिल फीवर, लेकिन मिलता नहीं है, अगर सामान्य रहता है, चलने फिर नहीं पाते, पेट फूल जाता है, पेशाब पैखाना बंद हो जाता है इस बीमारी में, इसका लक्षण यही है। दूध की मात्रा कम हो जाए, थन सूख जाएगा, दूध नहीं दे पाएगी, और खाना पीना एकदम नहीं खाए, एक बूंद खाना नहीं उठा पाएगी, थोड़ा भी सोचिए खा ले नहीं खा पाएगी। किसान भाइयों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्यों होता है इसके विषय बता देते हैं। हर पशुपालक को, किसान भाई जितने हमारे मित्र दोस्त हैं, इनको पता नहीं है ये बीमारी क्यों होती है। हम आपको बता रहे हैं बीमारी क्यों होती है गाय भैंस में। आप लोग पशुपालक भाई क्या करते हैं, जब गाय भैंस बच्चा दे देती है, जब जेर गिरा देती है, तो उसका थन में जितना भी दूध, फेनुस जिसको हम लोग कहते हैं, पूरा फेनुस आप लोग दूह लेते हैं, चारों थन में से दूध लेते हैं, एक बैग पूरा थन में से दूध निकाल देते हैं। जब दूध निकाल देगी या तो थन में हवा घी भर जाता है, घींच लेता है हवा, हवा जब थन में भर जाएगा किसान भाइयों, तो क्या होगा कि बीमारी हो जाएगी। बीमारी का मेन लक्षण आपको बता रहे हैं, बीमारी होने का लक्षण। आपको पशुपालक भाई जब भैंस या गाय कोई भी बच्चा दी है, एक बैग थन में दूध नहीं निकालना है, 12 से 72 घंटा तक ऐसा करना है कि हर थन में, जिसे चार बाट होता है, चारों में बराबर बराबर एक एक पौवा दूध चारों में रहना चाहिए, बराबर मात्रा में। इससे क्या होगा, थन में हवा अंदर खींच नहीं पाएगा, दूध निकालिए, सारा दूध निकाल लीजिए, लेकिन एक एक पौवा चारों थन में दूध बराबर छोड़ दीजिएगा, जिससे क्या होगा, थन में हवा नहीं जाएगा। थन में हवा नहीं जाएगा तो ये बीमारी होने का कोई 1% भी चांस नहीं है। थन में हवा जाने के चलते भाई देवे, आप थन में आपको जानकारी नहीं है पशुपालक भाई, थन में का दूध पूरा एक बैग निकाल दिए या गाय लड़खड़ा कर गिर गई, तो आपको कुछ नहीं करना है, गमछा सूती का ले लेना है। जब गाय भैंस बैठ गई है, उठ नहीं पा रही है, देख रहे हैं कि लड़खड़ा कर गिर गई है, तो गिरने के बाद उसके थन में चारों ओर से सूती का कपड़ा लपेट देना है, और साइकिल में जो हवा भरने वाला पंप होता है ना, उसी को आपको ले लेना है। उस पंप को लेकर के क्या करना है, कपड़ा थन में लपेट दिए हैं, जब तक दिए हैं तो थन में एक एक टिप में ऐसा करना है ना, जो हवा भरने वाला नली होता है पतला टाइप का, उसमें रहता है, लगा लीजिएगा कोई प्लास्टिक का लेकर, उसे थन में, चारों थन में जो उसमें पूरा हवा भर देना है, उसमें हवा भर दे, चारों थन में हवा भर दीजिएगा ना, तुरंत आराम मिल जाएगा। अगर ये भी नहीं आपके पास उपलब्ध है, कुछ नहीं करना है, आपको प्राथमिक उपचार हम बता दें ये करना है, ये नहीं कर पाइएगा तो एक और काम है, आपको जब बच्चा दी उसी समय एक बोतल कैल्सियमट जेल आता है या जेनमिक्स जेल, कोई भी जेल 200 ml का आता है, पूरा एक बार पिला देना है, उसके बाद 24 घंटा के बाद एक फाइल फिर पिला देना है, और फिर 36 घंटा के बाद एक फाइल, 3 फाइल आपको पिला देना है, जरूर इसको पिला दीजिएगा। पिलाने के बाद में भी फिर बीमारी नहीं होगा, ये बीमारी कैल्शियम की कमी से ही होती है। जैसे कैल्शियम का कार्बोरल का इंजेक्शन भी आता है, बोतल आता है 450 ml का, उसको सबकट या नस द्वारा किसी भी
पशु चिकित्सक को बुला करके आप नस में चढ़वा दीजिए, तुरंत भैंस गाय खड़ा हो जाएगी, खाना पीना पर करने लगे। ये बीमारी केवल थन के प्रॉब्लम से ही होती है, थन में हवा भर जाता है इससे तय। इसलिए मित्रों किसान भाइयों आपसे हमारा नम्र निवेदन है, जब भी गाय भैंस को दूध, पूरा थन का दूध रत निकालिएगा, दूध थन में छोड़ दीजिएगा, बीमारी होने का 1% भी चांस नहीं रहेगा, और हो गया तो वही हवा भर दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। इस तरह अगले बार भी आपसे हम मिलेंगे कोई दूसरे मैटर पर। हम सोच रहे हैं, हमारा दिल में ही हार्दिक इच्छा है, कम पैसा में कम लागत में आप लोगों को उचित इलाज में बता पाऊं। इस चैनल को बनाने का हम कह रहा यही मकसद है कि आप लोग को कम पैसा में ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा सुविधा दे पाऊं। हमारा 20 साल से तजुर्बा है किसान भाई, 20 साल से मैं काम करते आ रहा हूं, हर गरीब अमीर सबके यहाँ मैं बताता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ। अंग्रेजी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई, होमोपैथिक दवाई भी आप लोग को बताऊंगा। अगले बार आपसे मिलूंगा तो कोई किसी मैटर पर होमपैथ का भी दवाई मैं बता दूंगा। 20 साल का हमारा तजुर्बा है। जो कमेंट करके बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमको सुझाव दीजिए। उस चैनल पर जो भी आप पूछिएगा उसका कमेंट कीजिएगा, उसका हम जवाब देने के लिए तैयार हूँ। किसान भाइयों नमस्कार, अगले बार फिर मिलूंगा, धन्यवाद।